गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्लास 5th का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 में मल्टीप्लाई दिया है। देखिए, आपका जो ए नंबर क्वेश्चन है, ये क्या दिया गया है, मिक्स फ्रैक्शन में 2 होल 2 बाई 3 इंटू 5 बाई 12। अब सबसे पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लीजिए कि 2 3 6 और प्लस 2 8 बाई 3 इंटू 5 बाई 12। अब आपको न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर से, तो 8 इंटू 5 40 और 4 3 36। अब आप इसको जब रिड्यूस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 से ये कट हो जाएगा, तो 4 10 40 और 4 9 36। इसी तरह बी पार्ट इसका 1 होल 3 बाई 4 इंटू 8 बाई 15, तो 4 1 4 और 3 7 बाई 4 इंटू 8 बाई 15। अब 7 8 56 और 4 15 60, तो ये कट जाएगा आपका 4 से, तो 4 1 4 4 4 16, तो 14 आ गया यहाँ पे, 4 1 4 4 5 20, तो 14 बाई 15 आ गया। सी नंबर का क्वेश्चन है आपका, हाँ सी नंबर का क्वेश्चन है आपका कि 12 बाई 25 इंटू 6 होल 2 बाई 3, तो 12 बाई 25 इंटू 6, इसका क्या करेंगे हम, मिक्स को इम्प्रॉपर में ले आएंगे, तो 6 3 18 और 2 20 बाई 3, तो 12 20 240 और 25 3 75। जब इसको रिड्यूस करेंगे तो 14 बाई 15 आएगा, और इसको फिर आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में ले आना है, तो 15 को 48 से डिवाइड किया, तो 15 3 45, तो 3 होल 3 बाई 15। फिर से रिड्यूस कर रहे हैं हम, 3 1 3 3 5 15। ये समझ में आ रहा है आपको, हमने यहाँ पे इस आंसर को मिक्स मिलाया, मिक्स करने के बाद आपका आ रहा है 3 होल 3 बाई 15, तो 3 और 15 तो कट जाएगा ना 3 की टेबल से, तो 3 1 3 और 3 5 15, तो आपका क्या आ गया, 3 होल 1 बाई 5। अब इसी तरह डी क्वेश्चन है, 20 डिवाइडेड 1 इंटू 3 होल 1 बाई 5, तो 20 बाई 1 इंटू 3 5 15 और 1 16 बाई 5। आप मल्टीप्लाई करिए 20 और 16 का, तो 320 आया, 5 1 5 320 को जब अपन 5 से मल्टीप्लाई की डिवाइड किए, तो 5 1 5 5 6 30 और 5 4 20, तो ये आंसर कितना आ गया, 64 आ गया। अब आपका ई नंबर क्वेश्चन है 1 होल 1 बाई 4 इंटू 2 होल 2 बाई 5, दोनों मिक्स में है, तो दोनों को हम इम्प्रॉपर बनाते हैं। इम्प्रॉपर बनाने के लिए 4 1 4 1 5 बाई 4 और 2 5 10 और 2 12 बाई 5। अब आपने मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 12 16 और 4 5 20, 20 से कट जाएगा, 21 20 और 26 20 3 60, तो ये आपका 3 बाई 1 आ गया। इसी तरह एफ नंबर क्वेश्चन है आपका 3 होल 3 बाई 8 और 5 होल 1 बाई 9, दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम 8 3 24 और 3 27 बाई 8 और 5 9 45 और 1 46 बाई 9। अब 27 और 46 को हमने डिवाइड किया, और सॉरी मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, 1242 और 8 9 किया, तो 8 9 72। अब 72 को आप इससे डिवाइड कर दीजिए, हमने डिवाइड किया है, देखिए पहले हम 1 बार भाग जा रहे हैं आपका, 72 1 72 आपका 4 में 2 सब्ट्रैक्ट 2 आया, और 12 में 7 सब्ट्रैक्ट 2 5, तो 522। अब 72 7 हम भाग देंगे तो 504, तो ये आ गया 18। तो अब ये देखिए कितना आया आपका, 17 होल 18 बाई 72। अब 18 बाई 72 को भी आप काट सकते, क्योंकि 81 जा 80 और 84 जा 72, तो आपका आ रहा है 17 होल 1 बाई 4 आ रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1 बाई 2 ऑफ 3 बाई 4। अब आपका आपको मैंने सिखाया है मीन्स मल्टीप्लाई करना, तो 1 बाई 2 इंटू 3 बाई 4, तो 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, ठीक है। इसी तरह 1 बाई 2 ऑफ 2 बाई 4, तो 1 बाई 2 और 2 बाई 4 को, तो 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8 कट जाएगा, तो 1 बाई 4 आ जाएगा ये आपका। इसी तरह आपका ये 1 इंटू 1 और 3 इंटू 4, तो 1 बाई 12 आ जाएगा।
इसी तरह आपका 3/4 इंटू 2/5, तो 3×2=6, 4×5=20, तो आपका कट जाएगा ये 2×3=6 और 2×10=20, 3/10 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। इसका ई नंबर है आपका 1/2 ऑफ 4/5, तो 1/2 मल्टीप्लाई 4/5, तो 4×1=4 और 2×5=10, इसको अपन ने रिड्यूस किया तो 2×2=4 और 2×5=10, तो 2/5 आ जाएगा। इसके आपके जो लेफ्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 5 के, तो इसको क्या करना है आपको, पूरे क्वेश्चनों को लगाना, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैं आपको 6 क्वेश्चन बताई हूँ, इसके आपको पूरे क्वेश्चन करना है और कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, और इम्पोर्टेंट फैक्ट और ख़ास तौर से जो आपके रेड कलर से लिखा रहता है, मैं आपको यहाँ दिखा, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए रहते हैं, ठीक है, हर लेसन के पीछे पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए रहते हैं, उनको ज़रूर एक बार पढ़ा करिए, क्योंकि उन्हीं से ही आपके टिक द राइट आंसर रहते हैं, शॉर्ट आंसर, और लेसन के विषय में एक समरी टाइप की रहती है, उससे क्या होता है कि आपको बहुत सारा नॉलेज होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।